ये क्या रखना है, इसको हटाना है ना। गुड मॉर्निंग स्टैंड, सॉरी बेटा काफी दिन के बाद में वीडियो बना रहा हूँ ड्यू टू सम रीजन। देखो बेटा आज ये एडमिशन पार्टनर चल रहा है बेटा, और एडमिशन पार्टनर का पार्ट 34 है। आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन पैसेज एंड लैपटॉप, ठीक बेटा। तो इसमें सर बेटा क्या बोलते हैं, फॉर्मेट डाल देते हैं, ठीक ना, और उसमें बोलते हैं इस चीज यहाँ पे जाएगा, ये चीज यहाँ पे जाएगा, ये चीज डेबिट में आएगा और चीज क्रेडिट में आएगा। आपको ऐसे कुछ भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करना है, कंसीडर करना है कि कौन सी एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटीज है बेटा। उसको ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को बनाएंगे, और ये हर चैप्टर में आपको क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है ना। हमें किसे पकड़ना है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के लिए एडमिशन का केस हो या रिटायरमेंट का केस हो या डेथ का केस हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, मैं इसमें से एक ही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। किसे पकड़ना है, एसेट्स और लायबिलिटीज को पकड़ना है, ठीक है बेटा। यदि आपका एसेट्स और लायबिलिटीज, ध्यान देखिएगा, एसेट्स बढ़ रहा है और लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है, राइट बेटा, इसका मतलब हो रहा है कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसका रिवर्स ले लीजिए, एसेट्स घट रहा है और लायबिलिटीज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हो रहा है। फिर से रिपीट करो, इसी को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो सारा क्वेश्चन आपको बहुत इजीली मिल जाएगा और आपको आप याद करने से क्या देंगे, आप याद करने से क्या होता बचे जाएंगे। फिर से रिपीट करो, देखिए एसेट्स आपका बढ़ रहा है और लायबिलिटीज घट रहा है, ठीक बेटा। तो जितने से बढ़ रहा है जितने से घट रहा है उतने से आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, आपको मतलब बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसका रिवर्स सही है, एसेट्स घट रहा है और लैपटॉप बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इस को किस अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बेटा, नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है जो आपने 11th में पढ़ा था, जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बेटा, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। यदि एसेट्स बढ़ रहा है और लायबिलिटीज घट रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट से एसेट्स लायबिलिटीज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहां तक क्लियर है, रिवर्स में आ जाइए, आपका एसेट घट रहा है और लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो क्या रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है बेटा। और लॉस आया से मतलब क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट कर देंगे और डिफरेंस अमाउंट से एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक बेटा। उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या है, प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, कैसे ज्यादा है, तो जितने से कैसे ज्यादा है उतने से हम क्या करेंगे, डेबिट करके क्या करेंगे, नील करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को हमेशा हर हाल में क्या करना पड़ता है, नील करना पड़ता है। तो जिस साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कम पड़ता है, उस साइड में डिफरेंस अमाउंट हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं लेसर साइड में, जिस साइड में कम पड़ता है, और जो भी अमाउंट आएगा उसको और पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन और रेशियो में, बस इतनी करना पड़ेगा। और यदि आपका कैपिटल क्या फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे, और यदि कैपिटल आपका क्या फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बस यही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट से रेशियो अमंग पार्टनर्स हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट पार्टनर हो या डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, यही रूल है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए इसी चीज को हमने क्या किया, सेंटेंस में लिख दिया है, देखिए ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। पॉइंट वन, फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वन न्यू अकाउंट इज टू बी ओपन, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक न्यू अकाउंट खोलिंग होता है जिस अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन लीजिए नॉमिनल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। टू, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पॉइंट थर्ड, एसेट्स इंक्रीज एंड लायबिलिटीज डिक्रीज मींस प्रॉफिट, ठीक बेटा। इन दिस सिचुएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी डेबिटेड फ्रॉम डिफरेंस अमाउंट, ठीक बेटा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट से क्या करेंगे,
डेबिट कर देंगे, जितने से इनकी क्रेडिट क्रीज हो रहा है। एंड रिवर्सल अकाउंट टू बी क्रेडिट फ्रॉम टोटल अमाउंट, डेबिट अकाउंट जितना टोटल अमाउंट होगा उतने अमाउंट से रिवर्सल अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। पॉइंट फोर, एसेट डिक्रीज एंड लायबिलिटीज इंक्रीज मींस लॉस। एसेट आपका घट रहा है और लायबिलिटीज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, लॉस है। इन दिस सिचुएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी क्रेडिटेड। इस सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे डिफरेंस अमाउंट से जितने से घट और बढ़ रहा है। एंड रिवर्सल अकाउंट टू बी डेबिटेड फ्रॉम टोटल अमाउंट, ठीक है, डेबिट अकाउंट जितना भी टोटल अमाउंट है उतने से हम क्या करेंगे, रिवर्सल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एट लास्ट रिवर्सल अकाउंट शुड बी नील, लास्ट में क्या करेंगे, रिवर्सल अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, नील कर देंगे। नील करने के लिए क्या करेंगे, जिस साइड में रिवर्सल अकाउंट कम पड़ा है उस साइड में लिख करके अपोजिट साइड में क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, लिख देंगे इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बात में नील का मतलब ये होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कभी भी हमारा बैलेंस नहीं होता एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में, जैसे बैलेंस शीट उसमें सिर्फ रियल अकाउंट एज वेल एज पर्सनल अकाउंट का आइटम लिखा जाता है, नॉमिनल अकाउंट का आइटम बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है। इसलिए हर हाल में एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में क्या करना पड़ेगा बेटा, नील करना पड़ेगा, किसको, नॉमिनल अकाउंट को। इफ रिवर्सल अकाउंट शोज प्रॉफिट, यदि क्या बोल रहा है, रिवर्सल अकाउंट प्रॉफिट को दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्सल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो जितने से प्रॉफिट हो रहा है उतने से रिवर्सल अकाउंट को डेबिट करके क्या कर देंगे, लिख देंगे। इफ रिवर्सल अकाउंट शोज प्रॉफिट दैट रिवर्सल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट अमाउंट एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट आर टू बी क्रेडिटेड इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों लिखा हुआ है। यदि आपका कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो पार्टनर्स कैपिटल को लिखेंगे, और यदि आपका कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को लिखेंगे। इफ रिवर्सल अकाउंट शोज लॉस, बोल रहा है यदि आपका रिवर्सल अकाउंट क्या है, लॉस है, हम बोल रहे होता है इफ रिवर्सल अकाउंट शोज प्रॉफिट देन रिवर्सल अकाउंट इज टू बी डेबिटेड फ्रॉम प्रॉफिट अमाउंट एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट आर टू बी क्रेडिटेड इन देयर ओल्ड रेशियो। इफ रिवर्सल अकाउंट शोज लॉस देन रिवर्सल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड फ्रॉम लॉस अमाउंट एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट आर टू डेबिटेड इन देयर ओल्ड रेशियो। अब क्या लिख रहे हैं, नोट लिख देता हूं, थोड़ा सा समझ नहीं लिया, हालांकि मैंने वर्बली बोल तो दिया लेकिन इसे सेंटेंस में लिख देता हूं। देखिए इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, बोल रहा है यदि आपका क्या है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, देन फॉलोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस केस में क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। फिर नोट टू बोल रहा है इफ कैपिटल इज फिक्स, यदि आपका कैपिटल क्या होता है, फिक्स है, देन फॉलोज पार्टनर्स करंट अकाउंट, उस केस में क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये रिवर्सल अकाउंट यदि आप इसको बहुत अच्छा से समझ जाते हैं तो रिवर्सल अकाउंट बनाने के लिए ना तो आपको चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में दिक्कत करेगा, ना एडमिशन पार्टी में दिक्कत करेगा, ना रिटायरमेंट पार्टी में दिक्कत करेगा, ना डेथ ऑफ पार्टनर में दिक्कत करेगा बेटा, ठीक है। यही आपका क्या है, कंक्लूजन है रिवर्सल अकाउंट को, ठीक है बेटा, हम यहां तक ही रखते हैं इसको, ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।